श्री राम सबसे विदा लेकर चले। जनक जी महाराज ने दशरथ जी से कहा कि हम आपके किसी लायक नहीं है महाराज, आप तो महान हैं, आपने अपने दास के ऊपर बड़ी कृपा करी, अगर हमसे कोई अपराध हो गया हो, कहाँ अयोध्या का बड़ा वो विराट साम्राज्य, हम तो किसी लायक नहीं, आपकी सेवा नहीं कर सके, पर फिर भी अपना दास समझ के हमको क्षमा कर देना और हमको अपने चरणों में लगाए रखना। दशरथ जी कहते हैं महाराज आपने जैसी सेवा करी है कौन कर सकता है, आप तो हमारे हृदय के इस पटल पे आपका वास हो गया है, ये आपकी बेटी नहीं अब हमारी बेटी है, आप अपनी बेटी की चिंता मत करना, मेरे जब तक रहूँगा मेरी बेटी मेरी आपकी बेटी बहू बन के नहीं बेटी बन के रहेगी। बड़े प्रसन्न होकर विदा किया। अब जनक जी तो दुखी है पर दशरथ जी बड़े, अब सब समाज इतना उस विदाई के प्रसंग को, मैंने तो साहब औरों की बात छोड़ो कई दूल्हों को रोते हुए देखा है उस विदाई में, वो दृश्य ऐसा होता है जिसे कोई शत्रु भी रो पड़ते हैं बेटी की विदाई के समय, उस समय घर का माहौल ऐसा हो जाता है, पर फिर भी ठाकुर जी कृपा करें। अयोध्या पहुंचे, दशरथ जी महाराज ने तीनों रानियों से कह दिया था अयोध्या सजाई गई पूरी, वो सब ने स्वागत किया श्री राम जी की उस आती हुई बारात का, चारों दुल्हन आ रही हैं, सब ने बड़ा स्वागत किया, आनंद हुआ, बहुत आनंद आया। दशरथ जी ने कह दिया था ध्यान रखना, पराए घर से आई हैं लेकिन उन्हें ये महसूस नहीं हो कि ये पराए घर में आई हैं, सीता को और तीनों दुल्हनों को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, खूब सेवा हो प्यार देना। और तीनों रानियों ने उनको मुख दिखाई दी है और थोड़ा सा प्रसंग मुख दिखाई का है, वो श्रवण कर लें, उसके बाद में फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक हमारे भारतीय संस्कारों में एक ऐसा नियम है कि हम जब बहू घर में आती है तो मुख दिखाई देते हैं, तो मुख दिखाई में के कई माने, सीता जी को कनक भवन दिया जहां पर सीताराम जी आज भी विराजते हैं, ये महल दशरथ जी ने केकई के लिए बनवाया था, लेकिन क्योंकि इन तीनों में इतना प्रेम था, तीनों बहनों में कौशल्या केकई सुमित्रा में, ये एक दूसरे से अलग नहीं जाना चाहती थी, तो उस महल में केकई जी गई नहीं, तो उस महल को केकई माँ ने आज सीता जी के मुख दिखाई में दे दिया कि हम ये जो अपना महल है वो हम सीता को मुख दिखाई में देते हैं। सुमित्रा जी ने एक चूड़ामणि थी हाथ में, वो उतार के दे दी, ये हम आपको देते हैं, कभी भगवान न करे हमारी पुत्र वधू पे कोई संकट आए तो ये उस समय आपके काम आएगी, और ये वही चूड़ामणि है जो हनुमान जी महाराज को दी गई थी, चूड़ामणि उतार तब दय हरस समेत पवन सुत लयो, ये वो चूड़ामणि है। अब कौशल्या जी क्योंकि ज्ञान स्वरूपा है, ज्ञान रूपस्य कौशल्या, वो ज्ञान स्वरूपा है, तो वो जानती हैं कि बहू इतनी निपुण है, इस बहू को मतलब बहू कौन है, बोले भक्ति तो है सीता, अब अगर सीता भक्ति है तो क्या वो भक्ति किसी माया की वस्तु से प्रसन्न हो सकती है। हमारे यहां कहते हैं जैसो देवता वैसी पूजा, तो जैसी बहू वैसी मुख दिखाई, अब सीता जैसी बहू हो तो मुख दिखाई में क्या दें। कौशल्या माँ चिंतित हो गई, परेशान हो गई कि ऐसा मेरे पास क्या है जो मैं इसको दूं, मेरे पास कुछ नहीं है। उसी समय महल में प्रवेश करते हुए भगवान श्री राम के ऊपर माँ कौशल्या की दृष्टि पड़ी, माँ कौशल्या बुलाती राम को कि पुत्र इधर आओ, और जब कहा पुत्र आओ तो राम जी ने तीनों माँ के चरणों में प्रणाम किया, आज्ञा करें माँ, राम जी का हाथ लिया और सीता जी के हाथ में दिया कौशल्या जी ने, और कहा बेटी मेरे पास तुझे देने के लिए कुछ नहीं, मेरे पास जो सबसे कीमती है
जो सबसे अनमोल है वो है मेरा पुत्र मेरा राम। और ये सिर्फ मेरा पुत्र नहीं, ये रघुकुल की लाज है, रघुकुल तिलक है, मेरा प्राण है। मैं अपना प्राण रघुकुल की लाज सीता आज तेरे हाथ में सौंपती हूं। अब तुझे इस रघुकुल की लाज अपने हाथ में रखनी है, संभाल के रखना। विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा चलाए जा रहे सोशल मीडिया से आप सभी भी जुड़ें। YouTube के सब्सक्राइबर बनने के लिए YouTube में टाइप करें देवकी नंदन जी महाराज। Facebook पर पूज्य महाराज जी के आधिकारिक पेज को लाइक करने के लिए देवकी नंदन ठाकुर जी सर्च करें। Twitter पर पूज्य महाराज जी को DN_ठाकुर_जी फॉलो करें।